तो फ्रेंड फाइनली अपने पास आ चुका है सैमसंग की तरफ से आने वाला सबसे महंगा एंड सबसे फ्यूचरिस्टिक फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। तो फ्रेंड इस मोबाइल में हमको AI का इतना फीचर मिलता है कि जो सैमसंग है वो सैमसंग ने इसका नाम ही गैलेक्सी AI रख दिया है। तो आज हम लोग इसका चेक करके देखेंगे कि इसमें हमको क्या किस तरह का हमको AI मिलने वाला है और उस AI से हमको क्या बेनिफिट हो मिलेगा और कैसे हम उस AI को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे किसी भी वीडियो को या फोटो को अपने मोबाइल में ही AI के थ्रू कैसे एडिट कर सकते हो। और बहुत ऐसा चीज़ है फ्रेंड जो इसको से S23 से S24 को अलग बनाता है, क्यों आपको लेना चाहिए S24, अगर आपको अपग्रेड करना है तो क्या करना चाहिए या नहीं, सब कुछ आपको बताएंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप तक हमारा वीडियो पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड चलिए जल्दी से कर लेते हैं बॉक्स को ओपन, उसके बाद दिखाते हैं कि बॉक्स में हमको क्या क्या मिलता है। तो पहले ही मैंने ओपन करके रख दिया हूँ लेकिन फिर भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देख रहे हो मोबाइल काफ़ी प्रीमियम है, चलिए इसको आपको दिखाएंगे अच्छे तरीके से। उससे पहले हम थोड़ा बॉक्स में देखते हैं कि और क्या क्या हमको मिलता है। बॉक्स में अगर हम देखेंगे जैसे यहाँ पे आपको सिम एडिक्ट टूल मिल जाएगा, ठीक है देख पा रहे हो आप। उसके बाद और भी कुछ कुछ है, जैसे यहाँ पे एक आपको मिल जाएगा लॉक गाइड, ठीक है। उसके बाद सैमसंग का यूज़र मैनुअल है, ठीक है इसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक Type-C to Type-C केबल, अभी सबके सैमसंग का हर एक मोबाइल में Type-C to Type-C केबल ही आता है, बट इसमें आपको एडेप्टर नहीं मिलेगा। पहली बता है सैमसंग का कोई भी मोबाइल में अभी एडेप्टर नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको एडेप्टर नहीं मिलेगा सिर्फ केबल मिलेगा। जैसे आपको हम दिखा देते हैं खोल करके कि कितना लेंथ है इसका, तो लेंथ काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ठीक है देख सकते हैं आप लेंथ काफ़ी मिल जाएगा आपको। बाकी ये देख सकते हो Type-C to Type-C पोर्ट है, ठीक है। बाकी ये आप अगर डेटा ट्रांसफ़र करोगे केबल के थ्रू तो इससे भी आप हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते, क्योंकि फ़ोन का चार्जिंग पोर्ट USB 3.2 जनरेशन के साथ आता है। चलिए चलते हैं आप इसको सेट करते हैं, दिखाते हैं आपको मोबाइल की क्या क्या मोबाइल में फ़ीचर दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले इसका फील लेते हैं। ओ कोई बात नहीं, फट गया। ओ वाह काफ़ी प्रीमियम लग रहा है फ़ोन देखने में ही, देख सकते हो आप। अगर बात करें हम इसका बॉडी डिज़ाइन के बारे में तो हमको मिलता है 162 mm का हाइट, उसके बाद 79 mm का विड्थ एंड 8.6 mm का डेप्थ। तो अगर हम इसका फ्रेम के बारे में आपको बताएं तो ये अभी क्या हुआ है, ये अपग्रेड हो चुका है। पहले क्या था S23 में हमको एल्यूमिनियम फ्रेम मिल रहा था, अभी ये अपग्रेड होकर के हमको टाइटेनियम फ्रेम मिलता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो फिंगरप्रिंट बहुत कम देखने को मिलेगा साइड में। और इसमें क्या है कि जो टाइटेनियम फ्रेम है तो वो अभी हमको मैट फिनिश में टाइटेनियम फ्रेम मिलता है। टाइटेनियम फ्रेम होने के कारण आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे कि आपका मोबाइल में स्क्रैच नहीं लेगा, कहीं पे गिर गया मोबाइल तो टूटने से बचा लेगा। ये एक ज़्यादा अच्छा है कि अभी टाइटेनियम फ्रेम हर एक मोबाइल में यूज़ किया जा रहा है, जो भी हाई वी रेंज का मोबाइल आता है उसमें अभी टाइटेनियम फ्रेम को यूज़ किया जाता है। इसका जो डिस्प्ले है गाइस इसमें यूज़ किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर। ये जो आर्मर गोरिल्ला ग्लास यूज़ किया गया है ये विक्टस से एक लेवल अपग्रेड है, और बैक में भी सेम ग्लास को यूज़ किया गया है जो कि है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर। सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंजेस है S23 और S24 में, तो देख सकते हो S24 में आपको क्या मिलेगा, फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा, जो कि अगर S23 में देखे थे कि उसमें मुझे कर्व डिस्प्ले मिला था, लेकिन इसमें नहीं है, हम देख पा रहे होंगे। बाकी लुकिंग वाइज काफ़ी प्रीमियम है, देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा साइज का मोबाइल है हाथ में देखोगे तो। और हाँ इस फ़ोन में IP68 रेटिंग देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप पानी में शॉट लेना चाह रहे हो, वीडियो बनाना चाह रहे हो, फोटो बनाना चाह लेना चाह रहे हो तो उसे ले सकते हो, लेकिन 30 मिनट तक अगर आप पानी में रख रहे हो फोन को तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फोटो शूट करने के लिए आप 1.5 मीटर पानी के अंदर तक ले आ सकते हो इसको। फ्रेंड इस फोन में अब तक का सबसे बेस्ट जो बढ़िया वाला डिस्प्ले है वो यूज किया गया है। अगर हम आपको बताएं इसका डिस्प्ले का स्पेसिफिकेशन, तो ये जो डिस्प्ले है QHD+LTPO AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें हमको मिलता है 120Hz का रिफ्रेश रेट, साथ में ही HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन में वीडियो देख रहे हो या फिर यूट्यूब में देख रहे हो या नेटफ्लिक्स में देख रहे हो, अमेजन प्राइम में, जिसमें भी अगर आप कोई भी अच्छा क्वालिटी का वीडियो देखोगे HDR10+ की वजह से आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। ये जो मोबाइल का डिस्प्ले है इसमें 2600 nits का पीक ब्राइटनेस यूज़ किया गया है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले है। अगर आप इस मोबाइल को आउटडोर यूज़ करोगे, सनलाइट में यूज़ करोगे, तो चाहे तो आप एप्लीकेशन दे यूज़ कर रहे हो या फिर कोई वीडियो देख रहे हो, तो आपको जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी क्लियर मिलेगा। बाकी अगर आपको आप नाइट में यूज़ कर रहे हो तो इसका ब्राइटनेस इतना कम है कि कोई बगल में आपका बंदा बैठा हुआ है तो उसको साइड से दिखेगा भी नहीं, सिर्फ आपको ही दिखेगा।
तो चलिए आपको करके दिखाते हैं इसका मल्टीमीडिया टेस्टिंग। बाकी गाइज आप देख ही सकते हो कि वीडियो का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको कैमरे में थोड़ा सा कम क्वालिटी देखने को मिले, लेकिन जो डिस्प्ले का क्वालिटी ओरिजिनल में है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि इस डिस्प्ले में आप 8K तक का भी वीडियो चला सकते हो। तो चलिए आपको सुनाते हैं इसका ऑडियो। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो स्पीकर यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है स्टीरियो स्पीकर, जिसकी वजह से आप साउंड का क्वालिटी सुन सकते हो अभी कितना कैसा आपको साउंड सुनने को मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप मेरा कैमरे का जो वॉइस से रिकॉर्ड हुआ है वो साउंड, तो हो सकता है उसमें साउंड आपको डिफरेंट लगे, लेकिन इसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए AI के थ्रू कुछ एडिट करके दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाते हैं इसको कि कैसे भी किसी भी इमेज को आपको एडिट करना है AI के जरिए कैसे कर सकते हो। जैसे ये मेरा अभी मोबाइल है, ठीक है, इसको हम कहीं और जगह प्लेस करेंगे, तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, एडिट वाला ऑप्शन में जाना है। एडिट वाला ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको शो होगा AI, ठीक है, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट को आपको ये करना है, रिमूव करना है या फिर दूसरी जगह प्लेस करना है, उसको सिंपली क्लिक करके रखना है, हो गया सेलेक्ट। उसके बाद जहाँ पर आपको रखना है वहाँ पर ड्रैग कर देना है, चाहे हम यहाँ पर रखेंगे अगर, तो यहाँ पे रखने के बाद जनरेट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद आपको जनरेट करके दे देगा। तो फ्रेंड देख सकते हो ये मेरा जो फोटो है एक जगह से दूसरी जगह प्लेस हो चुका है, लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे जो जहाँ पे मेरा पहले वह फोटो था वहाँ पे देख पा रहे होगे थोड़ा भी मतलब डिफरेंस नहीं लगता है कि यहाँ पे पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। तो फ्रेंड आप आते हैं इसका मेन चीज जो कि है इसका स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसर, उसके बाद इसका मेमोरी क्या क्या है वो बताएंगे आपको। इस फोन में एडजन 3 प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि क्वालकॉम का लेटेस्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर है। पावरफुल प्रोसेसर होने के कारण अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो और गेमिंग कर रहे हो तो आपको हीटिंग इशू या फिर लैगिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा। जो नीचे वाला वेरिएंट है जो कि S24 प्लस एंड S24, इसमें एक्सिनोस का प्रोसेसर यूज किया गया है जो कि इतना पावरफुल नहीं है कंपेरिजन टू S24 अल्ट्रा में जो प्रोसेसर यूज किया गया है। अगर आप S24 प्लस लेना चाह रहे हो तो उससे अच्छा है कि आप कुछ रुपया एड ऑन करके S24 अल्ट्रा ले लो, ताकि आपको अच्छा प्रोसेसर मिल जाए। बात करें अगर हम इसका रैम और स्टोरेज के बारे में, तो रैम में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जो कि है 12GB का LPDDR5X रैम। बाकी जो इसमें स्टोरेज यूज किया गया है वो UFS 4 स्टोरेज यूज किया गया है, जिसमें आपको कई तरह का वेरियंट मिल जाता है, जैसे कि 256GB, 512GB और 1TB का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं इसका गेमिंग टेस्ट। तो चलिए फ्रेंड सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि इसमें क्या कौन कौन सा हमको सेटिंग मिल जाता है। जाएंगे जैसे यहाँ सेटिंग पे, तो देख सकते हैं स्मूथ में आप 90 FPS तक चला सकते हो, बैलेंस में आप एक्सट्रीम, ये जो बैलेंस वाला है बैलेंस HDR, इसमें क्या होगा आप आगे वाला सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको चेंज देखने को मिल सकता है, 90 FPS तक का सपोर्ट मिल सकता है इसमें, लेकिन अभी स्मूथ में 90 FPS का सपोर्ट मिलेगा आपको। तो चलिए दिखाते हैं इसका कि कैसा चलता है गेम। बाकी 90 FPS होने के कारण फ्रेंड आपको काफ़ी स्मूथ नज़र आएगा गेम, ठीक है, कहीं पर भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड अगर हम इसका अगर सेंसर एंड कनेक्टिविटी के बारे में बताएं तो ऑब्वियसली बात है इतना हाई रेंज का मोबाइल है तो हर एक चीज मिलेगा। तो इसमें हर एक टाइप का सेंसर यूज किया गया है, हर एक टाइप का कनेक्टिविटी यूज इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे NFC हुआ, ब्लूटूथ हुआ, वाईफाई हुआ, लैडर सेंसर हुआ, हर एक चीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसका OS एंड UI के बारे में आपको बताएं तो इसमें हम आपको OS जो मिलेगा एंड्रॉयड 14 बेस्ड OS मिलेगा। उसके बाद अगर आप इसको सॉफ्टवेयर अपडेट है, ये बहुत ही हाई लेवल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि इसको आप 7 साल तक सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया है। अभी कोई सा इस मोबाइल में इतना हाई लेवल तक नहीं मिलता है, लेकिन ये पहला मोबाइल है जो हर एक चीज़ में बेंचमार्क सेट कर रहा है, चाहे वो फोल्डिंग फोन का केस में देख लो या फिर आप AI का केस में देख लो या फिर आप सॉफ्टवेयर अपडेट का केस में देख लो, हर एक चीज़ में एक बेंचमार्क सेट कर देता है किसी और के लिए। बात करें इस फोन का बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो इसमें हमको 5000mAh का बैटरी मिल जाता है, उसी के साथ आता है 45W का चार्जर। बट इसमें एक चीज़ है कि आपको चार्जर बाहर से खरीदना पड़ेगा, सिर्फ आपको केबल मिलेगा बॉक्स में, और हाँ इसमें वायरलेस भी चार्जिंग सपोर्ट करता है। आते हैं इस फोन का कैमरा सेगमेंट की तरफ, इस मोबाइल का बैक में 4 कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। पहला कैमरा हमें मिलता है 12 MP का अल्ट्रा वाइड, दूसरा कैमरा मिलता है 200 MP का वाइड एंगल जो कि मिलता है 2x एंड ऑप्टिकल जूम के साथ, तीसरा कैमरा जो है वो मिलता है 50 MP का 5x एंड 10x ऑप्टिकल जूम के साथ, लास्ट कैमरा जो मिलता है वो मिलता है 10 MP का 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। बाकी फ्रंट में मिलता है आपको 12 MP का कैमरा। तो फ्रेंड आपको दिखाते हैं कुछ कैमरे का सैंपल।
तो फ्रेंड यही था इसका क्विक अनबॉक्सिंग। बाकी आप वीडियो तो देख ही चुके हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और हाँ फ्रेंड, इसमें AI का भी बहुत फीचर दिया हुआ है और कैमरे में भी बहुत एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में सारे को कवर कर लें। तो इसके लिए हम पार्टिकुलरली एक वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।